नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय के अंतर्गत घटाव या घटाना के सवाल को हल करने वाला हूं। तो पहला सवाल है, देखिए 586 में से 425 को घटाना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए देखिए किस तरह से इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई तथा सैकड़े के नीचे सैकड़े के अंक को लिख करके इस सवाल को मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। तो इस तरह से हमने तीन कॉलम बना लिया, यहाँ लिख लिया इकाई, यहाँ लिख दिया हमने दहाई, यहाँ जो है ये दहाई हो जाएगा और यहाँ हो गया सैकड़ा। इस तरह से इस लाइन को खींच देने पर यदि हासिल होगा तो इस कॉलम में लगाने के लिए। अब ये हो गया 5, ये 8 और ये 6 हो गया। 586 में से 425 को क्या करना है, घटाना है। ये घटाने का निशान लगा दिया हमने। अब देखिए इस सवाल को हम किस तरह से हल करेंगे। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़े को हमने लिख दिया। 6 में से 5 को घटाने पर 1 आएगा, 8 में से 2 को घटाने पर 6 उत्तर आता है, इसी तरह से 5 में से 4 को घटाने पर 1 आएगा। तो इसका वाचन देखिए 161 आ गया। इकाई के कॉलम में इकाई और दहाई के कॉलम में दहाई तथा सैकड़े के कॉलम में सैकड़े को हमने लिखा। 586 में से 425 को घटाने पर 161 उत्तर आता है। तो इस तरह से हमें घटाने के सवाल को हल करना होता है। सवाल क्रमांक दूसरा है, देखिए 465 में से 179 को घटाना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से हमने कॉलम बना दिया है। इकाई के अंक के नीचे इकाई और दहाई के अंक के नीचे दहाई हमने लिख दिया। ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। 465 हो गया और इसमें से 179 को घटाना है। देखिए ये हमने घटाने का निशान लगा दिया और इस लाइन को इस तरह से खींच दिया बच्चों। तो 465 में से 179 को घटाने के लिए देखिए ये 5 है, 5 में से 9 नहीं घटेगा, एक दहाई ये उधार लेगा। एक दहाई में 5 को जोड़ेंगे ये 15 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये 6 यहाँ से एक दहाई चला गया तो यहाँ बच गया कितना, 5 दहाई बच गया। अब देखिए 15 में से 9 को घटाने पर यहाँ 6 उत्तर आता है। 15 में से हमने 9 को घटाया, 6 आया। अब देखिए 5 में से 7 नहीं घटेगा, ये जो है यहाँ से एक दहाई उधार लेगा। एक दहाई लेने पे ये 15 हो जाएगा और यहाँ 3 बचा रहेगा। अब 15 में से 7 को घटाने पर यहाँ 8 बचेगा, 3 में से 1 को घटाने पर 2 हो जाएगा। तो देखिए 286 आ गया। अब हम देखते हैं 9 में 6 को जोड़ने पे 9 1 10, 10 5 15, अर्थात ये घटाना सही है। 8 में 7 को जोड़ें, 7 8 15 हो गया, ये भी घटाना सही है। 2 में 1 जोड़े 3, ये भी घटाना सही है, अर्थात 465 में से 179 को घटाने पर 286 उत्तर आता है। इस तरह से हमें हासिल ले करके घटाने के सवाल को हल करना रहता है। सवाल क्रमांक तीसरा है, देखिए 542 में से
351 को घटाना है, तो इस तरह से हमने तीन कॉलम बना दिया, इकाई, दहाई और सैकड़ा, क्योंकि तीन अंकों का सवाल है। तो हमने पाँच सैकड़ा यहाँ लिखा, चार दहाई लिखा और दो इकाई लिखा। उसके नीचे देखिए, तीन सैकड़ा, पाँच दहाई और एक इकाई लिख करके ये घटाने का निशान लगा दिया। अब इस सवाल को हमें क्या करना है, हल करना है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक आ गया। अब दो में से एक को घटाने पर एक आता है। अब ये देखिए, यहाँ चार में से पाँच को नहीं घटाया जा सकता, तो एक दहाई यहाँ से उधार लेगा और एक दहाई में चार जोड़ेंगे, ये 14 हो जाएगा, इसको काट देंगे। ये एक दहाई यहाँ से गया, ये कट गया, यहाँ पे चार बच जाएगा। अब 14 में से क्या करना है, हमें पाँच को घटाना है। तो 14 में से पाँच को घटाने पर 6 उत्तर आता है, 14 में से पाँच को घटाने पर 9 आएगा। 14 में से पाँच को घटा दिए, 9 आ गया। 9 में पाँच को जोड़ेंगे, 9 एक 10, 10 चार 14 होता है, अर्थात ये जोड़ हमारा सही है, घटाना सही है। 4 में से 3 को घटाने पर 1 आता है। तो देखिए इसका उत्तर आ गया बच्चों, 151। देखते हमारा सवाल सही है कि नहीं। 1 में 1 जोड़े 2 आया, 9 में 5 को जोड़ने पे 9 एक 10, 10 चार 14, ये भी हमारा घटाना सही है। 3 3 में 1 जोड़े 4 आया, ये भी हमें घटा करके और जोड़ करके भी हमें देख लेना है। ये संख्या में जो उत्तर आया है उसको जोड़ने पर ये संख्या आ रही है, अर्थात 542 में से 351 को घटाने पर 191 उत्तर आता है, 191 उत्तर आता है। तो इस तरह से हमें 542 में से 351 को घटाने पर 191 उत्तर मिलता है। चौथा सवाल है, देखिए 754 में से क्या करना है, हमें 287 को घटाना है। तो 754 में से 287 को घटाने के लिए हमें इस तरह से, हमने देखिए इस कॉलम को बना दिया, यहाँ इकाई हो गई, यहाँ दहाई और यहाँ हमने सैकड़े का अंक लिख लिया। अब हमको क्या करना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, चार इकाई है, पांच दहाई है, सात सैकड़ा है, यहाँ सात इकाई है, आठ दहाई है, दो सैकड़ा है। आप देखिए घटाने का निशान हमने लगा दिया, इस लाइन को हमें खींच देना है। तो 754 में से 287 को हमें घटाना है। अब देखिए ये 14 में से 7, चार में से 7 नहीं घटेगा, एक दहाई ये लेगा और ये चार एक दहाई अर्थात 10 होता है, 10 में इस चार को जोड़ देंगे, ये 14 हो जाएगा, इसको काट देंगे। यहाँ इसको काट दिए क्योंकि यहाँ चार बच गया। इसके बाद देखिए 14 में से 7 को घटाने पर 7 उत्तर आता है, 14 में से 7 को घटाया, 7 आ गया। अब देखिए 7 में 7 को जोड़ने पर 14 आता है। अब ये देखते हैं दहाई अंक में, 4 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से एक दहाई ये उधार लेगा, एक दहाई अर्थात 10 होता है, 10 में इस 4 को जोड़ देंगे, ये 14 हो जाएगा, इसको काट देंगे, ये 6 बचा रहेगा। अब 14 में से 8 को घटाने पर 6 उत्तर आता है, 14 में से 8 को घटाएं 6 और 8 में 6 जोड़ने पर 14 आता है, अर्थात एक घटाना हमारा सही है। 6 में से हमें 2 को घटाना है, 4 आएगा। इस तरह से देखिए 467 यहाँ उत्तर आ गया, 467। 754 में से 287 को घटाने पर 467 उत्तर आता है,
हासिल को इकाई में अंक, इसको हम जोड़ करके देखें, जैसे 7 में 7 जोड़े 14 आ गया, 8 में 6 को जोड़े 14 आता है, और 14 में से 8 को घटाने पर 6 आता है, 4 में 2 जोड़े 6 आता है। हमें जोड़ करके भी देख लेना है इस संख्या को, इस संख्या में जोड़ने पर यहाँ जो संख्या है वो आनी चाहिए, और इस संख्या में से इस संख्या को घटाने पर ये आना चाहिए। तो इस तरह से 754 में से 287 घटाने पर 467 उत्तर आता है। पांचवा सवाल है, देखिए बच्चों, 500 में से क्या करना है, 365 को घटाना है। तो 500 में 365 को घटाने के लिए हमने इस कॉलम को बना दिया ताकि आपको घटाने में और समझने में आसानी हो। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक का है, 3 कॉलम हमने बना दिया। अब इकाई पर 0 है, दहाई पर भी 0 है, और सैकड़े के अंक पे 5 है, इसमें से घटाना है। देखिए, इकाई अंक पर 5 है, दहाई पर 6 है, और सैकड़े अंक पर 3 है, अर्थात 500 में से 365 को घटाना है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब इसको घटाने की क्रिया करने के लिए देखिए, यहाँ इकाई अंक पर 0 है, यहाँ भी 0 है, ये गया इसके पास हासिल लेने, इनके पास भी कुछ नहीं, ये जाएगा इसके पास, यहाँ से एक दहाई लाएगा तो ये 10 हो जाएगा, एक दहाई मिलने पर ये 10 हो गया। अब 10 में से इसको एक दहाई दे दिया तो ये 10 हो गया। अब एक दहाई जब इसने दे दिया तो यहाँ इसके पास 9 बच गया, इसने एक दहाई दिया था इसके पास 4 बच गया। इस क्रिया को हमें तुरंत कर लेना है। इसने इससे उधार लिया, इसके पास कुछ नहीं, ये गया इसके पास, तो ये जब इसको एक दहाई दिया ये 10 हो गया, 10 में से इसने इसको एक दहाई दिया ये 10 हो जाएगा, ये 9 बच जाएगा। अब हम घटाने की क्रिया करते हैं, और इसने एक दहाई दे दिया तो ये 4 बच गया, 5 था, तो 10 में से 5 को घटाने पर 5 आएगा। 9 में से 6 को घटाना है, 9 में से 6 को हमको घटा देना है, 9 में से 6 को घटाने पर 3 आ रहा है, और 4 में से 3 को घटाने पर 1 आ रहा है, अर्थात 135 यहाँ उत्तर आ रहा है। तो देखिए, 500 में से 365 को घटाने पर 135 उत्तर आता है। 500 में से 365 को हमने घटाया तो 135 हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है। छठवां सवाल हम देखते हैं बच्चों, 502 में से 307 को घटाना है। तो इस घटाने की क्रिया को करने के लिए हमने ऐसा कॉलम बना लिया। आप बिना कॉलम बनाए भी इस सवाल को हल कर सकते हैं यदि आपको लगाने आ गया तो। यहाँ इकाई, यहाँ दहाई, और ये सैकड़े का कॉलम हो गया। हासिल लगाने के लिए हमने इस कॉलम को बनाया। अब इकाई अंक पर 2, दहाई पे 0 है, और सैकड़े पे 5 है। इसमें से 307 को घटाना है, ये देखिए हमने लिख लिया, और ये घटाने का निशान, और इस लाइन को पूरा खींच देना है। अब देखिए, इकाई अंक पर कितना है, इकाई अंक पर 2 है, 2 में से 7 नहीं घटेगा, ये जाएगा इसके पास, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये जाएगा इसके पास, इसके पास से एक दहाई लेगा ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से इसने इसको एक दहाई दे दिया, एक दहाई माने 10 हो गया, 10 में 2 जोड़े ये 12 हो गया। अब इसने एक दहाई जब दिया तो ये इसमें से चला जाएगा इसके पास, 9 बचेगा, इसने एक दहाई दिया था उधार, इसके पास 4 बचेगा। इस लेन देन को हमें पहले ऐसे लिख लेना है, इसने जो है, इसने इसको दिया एक दहाई ये 10 हो गया, इसने इसको दे दिया तो ये 4 बच गया, जब इसके पास 10 हो गया तो इसने इसको दे दिया एक दहाई ये 9 बच गया, और ये 10 में 2 जोड़ दिए 12 हो गया। अब 12 में से 7 को घटाने पर 5 बचता है, 9 में से 0 को घटाना है तो यहाँ 9 ही आएगा, 4 में से 1 को घटा दिए 1 आ गया, अर्थात
195 यहाँ उत्तर आ रहा है, तो 502 में से 307 को घटाने पर 195 उत्तर आता है। तो इस तरह से हमें इस वीडियो के माध्यम से हासिल वाले सवालों को हमें लगाना है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा के अंकों को लिख करके और व्यवस्थित हासिल ले करके घटाने वाली सवाल को हल करिए, समझिए, उसका लेखन करिए, वाचन करिए, तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।